हेलो गाइस, दिस इज दीपक मांसल, ओल्ड स्कूल एजुकेशन दिस यूट्यूब चैनल से तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आप PSPCL क्लर्क के रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ बनते हैं वो आप देखा, इस नाल तुहानू एक आइडिया लग जाना है कि एग्जाम दे विच किस तरीके दे इंग्लिश दे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा जिहा कंफर्टेबल महसूस करोगे जब तुम एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, ये अपनी फस्ट क्लास रहने वाली है, इस दे रिलेटेड होर भी बहुत सारिया क्लासा तुहानू मिल जाएगी। हुण आप शुरू करते हैं। ओके, फस्ट क्वेश्चन कहते वन हू पोजेसिज मैनी टैलेंट्स, कहते जिस को बहुत ज़्यादा टैलेंट होंगे ने, जे उसनू आप एक शब्द के एक वर्ड के डिफाइन करना हो आप किमें करा, जी एक वर्ड के आप उस दसना हो कि जिस को बहुत ज़्यादा टैलेंट होंगे ने, तो उसनू आप कहे वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होंगे जिस को बहुत ज़्यादा टैलेंट हो। इस तों इलावा कुछ वर्ड होर ने जिमें कि एक्सैप्शनल। देखो, एक्सैप्शनल का मतलब होंगे कि जो कि बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना दे सके, जो बहुत डिफरेंट है। यह किसी आप एक्शन वास्ते यूज़ कर सकते हैं कि यह एक्सैप्शनल है, कि जो कोई केस है, ठीक है, कोई घटना वापरी है, यह एक्सैप्शनल है। कोई परसन वास्ते यूज़ कर सकते हैं, कोई कोई परसन है, कोई आदमी है जो कि एक्सैप्शनल है, ठीक है, बेमिसाल। ठीक है, जे इस पंजाबी दे विच कहना हो आप कहेंगे बेमिसाल, किसी परसन वास्ते या किसी एक्टिविटी वास्ते आप इसनों यूज़ कर सकते हैं। विजडम होंगे ज्ञान, ज्ञान वास्ते आप यूज़ करते हैं विजन विजडम, जिसनों कोई नॉलेज हो, जिमें कि बुद्ध धर्म के बुद्धा बहुत विजडम थी। इस तो बाद आता नुबिल, नुबिल का मतलब होंगे जो कि एक यंग अट्रैक्टिव वूमेन वास्ते आप नुबिल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई वूमेन है बहुत अट्रैक्टिव है, यंग है, तो उसनों आप कहेंगे नुबिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके, नैक्सट क्वेश्चन कहते विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर, आपको की करके एक सेंटेंस दे रखे है, आप करना सेंटेंस को पढ़ना है तो दसना है कि इस किस पार्ट के एरर मिलता है। कहते शी डजेंट स्पीक ऑफ ईदर जर्मन और फ्रेंच, कहते ना तो वह जर्मन बोलती है ना वह फ्रेंच बोलती है। ठीक है, दो भाषा ने जर्मन तो फ्रेंच, ना तो वह जर्मन बोलती है ना वह फ्रेंच बोलती है। आप एरर दसना, देखो शी डजेंट स्पीक ऑफ नहीं आता, ठीक है, ईदर तो पहला ऑफ का इस्तेमाल नहीं होंगे। आप इस किस तरीके कहेंगे शी डजेंट स्पीक ईदर जर्मन और फ्रेंच, शी डजेंट स्पीक ईदर जर्मन और फ्रेंच, ना तो वह जर्मन बोलती है ना हो फ्रेंच बोलती है। तो याद रखियो इधर तो पहला आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना, तो यह सही आंसर अपना बी बन जूगा। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके, नैक्सट क्वेश्चन कहते करैक्ट द सेंटेंस ग्रामैटिकली, आपको की दे रखा कि सेंटेंस दे रखा, आप उसको रीड करना तो दसना कि उस ग्रामैटिकली तौर पर ग्रामर तौर पर किहड़ा एरर है। कहते शी वेंट टू जिम डिस्पाइट ऑफ हर इलनैस, मतलब वो जिम गई सी इस दे बावजूद कि वह बीमार सी, जो आप कह सकते हैं कि वह बीमार होने के बावजूद भी जिम च गई सी। ठीक है, तो तुसी उरे का ध्यान रखना है कि जिथे भी सानू डिस्पाइट दिख जाए, डिस्पाइट का मतलब की है बावजूद, ठीक है, बावजूद जिथे सानू डिस्पाइट दिख जाए उस तो बाद कदे भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, जेकर सानू दिख जाए इंस्पाइट, तो इंस्पाइट तो बाद ऑफ का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, इंस्पाइट, इंस्पाइट का मतलब की होंगे बावजूद, ठीक है, दे बावजूद, तो डिस्पाइट का मतलब होंगे दे बावजूद, लेकिन डिस्पाइट तो बाद आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते, तो इंस्पाइट तो बाद आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी जी गल है जी तुम्हें ध्यान रखनी है। तो दोनों की ने प्रेपोजिशन ने, ठीक है, इतने जो डिस्पाइट है ना यह एज ए प्रेपोजिशन काम कर रहा है, यह एक्शन एज ए डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कि इस पोजिशन के होन लग रहा है। ठीक है, तो करके भी इतने आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। अगले क्वेश्चन जाने। ओके, नैक्सट क्वेश्चन कहते करैक्ट द गिवन सेंटेंस ग्रामैटिकली, आप करना है एक सेंटेंस अपन दे रखे, आप उसको रीड करना है तो देखना उस ग्रामैटिकल तौर पर किहड़ा एरर है। कहते श्रेया हू शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ सिंगर, कहते श्रेया जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है वह की है एक सिंगर है। हूँ श्रेया कौन डिफाइन कर रहा है, हू डिफाइन कर रहा है, हू का मतलब की है अरे श्रेया तो है, श्रेया की है और सब्जैक्ट है, परसन है। ठीक है, श्रेया मतलब सब्जैक्ट एक परसन है जिसनों डिफाइन करता हू, तो हू की कह रहा कि वह की है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हू का मतलब की है श्रेया जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब हू ने अपन डिफाइन करता कि वह श्रेया की गल कर रहा है, तो शी द्वारा अपन लगाने की लोड़ नहीं, क्योंकि शी की अपना प्रनाउन है जो कि डिफाइन करता श्रेया, लेकिन हू ने ऑलरेडी उसको डिफाइन कर ही दिता, तो अपन शी की जरूरत नहीं हैगी। तो आप इनू कहेंगे श्रेया हू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ सिंगर। ठीक है, तो अपना सही आंसर आजूगा बी, श्रेया हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ सिंगर। ठीक है, अगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नैक्सट क्वेश्चन कहते द विंड इज वेरिएबल टूडे, देखो विंड, विंड का मतलब क्या होंगे, विंड होंगे हवा,
ਵਗਦੀ ਹਵਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਹਵਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿੰਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀਏਬਲ ਟੂਡੇ, ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੰਡ, ਇਸ ਵਾਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਦੱਸਣਾ। ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਰੀਏਬਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਲਡ, ਮਾਈਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ। ਜਦ ਹਲਕੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਹਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰਫ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਆਰ ਫੋਰ ਜੰਬਲਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਦੇਅਰ ਕੁਰੈਕਟ ਔਰਡਰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜੰਬਲ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰੈਕਟ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਔਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਓਪਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੋ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਕੀ ਨੇ, ਕੌਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸਦਾ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਦੋ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਫੇਅਰ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਰੇ ਗਿਆ ਸਕਿੱਲ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ, ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਓਪਨਿੰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਓ ਐਵਰ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਮੀ ਅ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਓ ਐਵਰ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਮੀ ਅ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਜੂਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਮੀ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਟੂ
ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਿਮ 'ਤੇ, ਗੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਡੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਓਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਏ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਦੋ ਆਈ ਹੈਡ ਫੀਅਰ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਦੇਖੋ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਦੋ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਫੀਅਰ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਏ ਆਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਕੋਲ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਲਸੋ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਾਸ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਲ ਦੋ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਫੇਅਰ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ, ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ, ਦੇਖਿਆ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਥੋਟ ਕਰਤਾ, ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਏ ਸੀ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਹੈਵ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਾਜ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਵਿਮ। ਸਵਿਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ, ਇੰਟਰੋ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਏ ਕਹੂਗਾ ਆਲ ਦੋ ਆਈ ਹੈਡ ਫੇਅਰ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਈ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਲਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਥੋਟ ਕਰਤਾ, ਸੋਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਆਲਸੋ ਥੋਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਮੀ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਇੰਟਰੋ ਦੱਸਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋ ਦੱਸਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਵਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਮੀ ਅ ਮੋਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਕੋਨਫੀਡੈਂਟ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਾਂਦੇ, ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆ ਜੂ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਆਫ ਫਿਜਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜਿਟੀ ਤੋਂ। ਫਿਜਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਚੈਨ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਜਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ, ਦੇਖੋ ਕੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਮ, ਸ਼ਾਂਤ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪੋਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਚੈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਕਾਮ ਆਜੂਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਆਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਰੈਸਟਿਵ। ਰੈਸਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੈਸਟਿਵ ਕਹਾਂਗੇ। ਟਵਿਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਵਿਚੀ, ਟਵਿਚੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਵਿਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਵਿਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟੀਸੀ, ਐਂਟੀਸੀ, ਐਂਟੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਮਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਮਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਟਲੈਸ। ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਿਜਿਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮ, ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਆਫ, ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਰਡ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਰਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ,
मतलब वो की है कहते एक स्पार्टा है तो वी आर स्पार्टन। ठीक है, स्पार्टन केड़े होंगे ने जो कि लग्जरी लग्जरी वाली लाइफ तो दूर रहते हैं। ठीक है, कंफर्ट कंफर्ट तो दूर रहते हैं, मतलब उन्होंने अपना करैक्टर इस तरीके डिवेलप किया होंगे कि वो ये हर चीज़ तो दूर रहते हैं। ठीक है, तुम स्पार्ट तुम 300 मूवी देखियो कि उस होंगे स्पार्टन होंगे ने, मतलब स्पार्टा के रेंद्ते हैं तो वह दसते हैं, वह उन्होंने दिखाया गया किमें ब्रेव ने, किमें काम करते हैं, किमें कंफर्ट जोन तो लाइफ तो, ठीक है, सिविलाइज लाइफ तो दूर ने। ठीक है, सिविलाइज लाइफ कि होंगी है जिस परिवार हो उस तो दूर अपने बहादुरी लड़ते हैं। ठीक है, तो अपना की आ जा सकता सिविलाइज भी नहीं आ सकता क्योंकि स्पार्टा का मतलब की होंगे ब्रेव होंगे। ठीक है, ब्रेव परसन वास्ते आप कह सकते स्पार्टन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गैरिश की होंगे, गैरिश कोई चमकीली चीज़ कोई अट्रैक्टिव चीज़ जिस जो कि ध्यान खिंचती हो उसको आप गैरिश कहने हैं, कोई कलर हो सकते हैं गैरिश। फॉर गिवन की होंगे माफ कर देना। ठीक है, तो यह सही आंसर आ जाएगा आप डी ब्रेव। अगले क्वेश्चन से जाने ओके नैक्सट क्वेश्चन कहते गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंसिज सिलैक्ट द ऑप्शन दैट गिवज देयर करैक्ट ऑर्डर। इस दे विच आपां नूं जंबल्ड सेंटेंसिज दिते हुए ने, इस पैराग्राफ दे विच जो सेंटेंसिज ने उसनों गलत ऑर्डर दे विच अरेंज किया हुआ, आपां उसनों सही ऑर्डर दे विच दसना है तां जो उसका कोई मीनिंग बन सके। ठीक है, आपां नूं इस तरीके नाल चार की दिते हुए ने सेंटेंसिज दिते हुए ने जो कि गलत अरेंज किए हुए हैं तो उसनों आपां सही अरेंज करके दसना कि इस दे विचों केड़ा ऑप्शन अपना करैक्ट होगा। देखो जो ये अपना पैराग्राफ है यह जैपनीज़ एक सैलीब्रेशन पर है, एक जैपनीज़ त्यौहार पर है। जो तुम जैपनीज़ एनीमेशन मूवीज़ देखे होंगे या जैपनीज़ कार्टून देखे होंगे तो तुम देखे होना कि उतों के जो गर्ल्स ने वह अपने ट्रेडिशन जो कपड़े पहनते हैं वो कीमो पाते हैं। कीमोज़ के होंगे देखो जिस तरीके आप कोट पाने तो उ होंगे अपने बो होंगे तो कीमो के उन्होंने बैक तो एक बो लगे होंगे व्डा सारा। ठीक है, बहुत ट्रेडिशनल ही उन्होंने ड्रैस है, जो तुम मूवीज़ देखते होंगे जैपनीज़ तो उत्थे तुम देखे होना जो कार्टून के भी दिखाते हैं। ठीक है, ये जो स्टोरी है उसते रिलेटड है जिस दे विच की ने एक त्यौहार मनाया जाता है जिस दे विच जो गुड्डियां होंदियां ने उन्होंने कीमो पा के उन्होंने अरेंज किया जाता है इस ऑर्डर दे विच। ठीक है, उस रिलेटेड ये फैसटिवल है तो हुण आपां पढ़ते हैं तुसीं समझोगे कहना क्या। देखो इस नूं पहला आपां की लिखांगे, आपां ओपनिंग लिखांगे, अपनी जो सेंटेंस दी होगी होगी ओपनिंग होगी। ठीक है, जो अपना पैराग्राफ है उसकी ओपनिंग करांगे जिस दे विच आपां की लिखांगे, डिफाइन करांगे, इंट्रो करांगे, दसांगे कि किस चीज़ बारे गल कर रहा है, फिर उसके आप नुकसान तो फायदे दसांगे तो उस तो बाद आप करेंगे एंडिंग करांगे जिस दे विच आप की कढांगे उसका कंक्लूजन कढांगे सिट्टा कढांगे। ठीक है, तो हुण आपां पढ़दे हां तुहानूं समझ आएगा कि आप कह की रहे हैं। देखो पहले कहते कहना डूरिंग द सैलीब्रेशन मैनी पीपल डिस्पले अ सैट ऑफ ऑर्नामेंट डोल्स नोन एज हीना डोल्स। कहते जब सैलीब्रेशन होंगी है कहते बहुत सारे लोग की करते हैं डिस्पले करते हैं दिखाते हैं ऑर्नामेंट डोल्स सजावट वास्ते डोल्स। ठीक है, गुड्डिया सजावट वास्ते गुड्डिया जिन्होंने गुड्डिया की कहा जाता जिस डोल्स में किया जाता हीना डोल्स कहा जाता है। देखो इन्होंने सैलीब्रेशन की गल करिए कोई त्यौहार मनाने की गल करिए पर यह नहीं दसिया कि किस त्यौहार की गल कर रहे हैं। सब तो पहला आप करा त्यौहार को डिफाइन करा कि इस त्यौहार की गल कर रही है। ठीक है, जिमें कि आप जो कोई दिवाली का ऐसे लिख रहे हैं कि आप कहने कि दिवाली एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, इस त्यौहार के पटाके चलाए जाते हैं, पहले आप लिखा दिवाली एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, आप दिवाली दसांगे। ठीक है, आप पहला नहीं लिखा कि आप पटाके चलाए जाते हैं, पहले आपको दिवाली में दसना पेगा कि किस त्यौहार की गल कर रहे हैं। तो इस है इसने त्यौहार तो लिखता पर त्यौहार की गल नहीं करी। तो सैकेंड की है बी कहते हीना मत्सूरी। ठीक है, हीना मसूरी इज़ ए सैलीब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान विशिंग दैम अ ब्राइट फ्यूचर। कहते हीना मसूरी की एक सैलीब्रेशन है ऑफ द गर्ल्स वास्ते। ठीक है, जिदे विच वो विश करते हैं उन्होंने उन्होंने ब्राइट फ्यूचर के जापान के मनाया जाता है तो उन्होंने ब्राइट फ्यूचर के इस इन्होंने डिफाइन करता कि किस सैलीब्रेशन की गल कर रहे हैं, हीना मसूरी की गल कर रहे हैं। तो अपना सही ऑप्शन की हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, पहला अपनी ओपनिंग जो इंट्रो है वो की कौन करूगा बी करूगा तो अपना ऑप्शन डी सही आ जाएगा। ठीक है, तो उस तो बाद आप गल करते हैं अगे डिफाइन करते हैं कहते दीज रॉयल लुकिंग डोल्स दीज रॉयल। ठीक है, दीज मतलब इस तो पहले इसने डोल्स में दसिया होगा ता ही उस तो बाद इन्हें दीज लिखा। दीज वर्ड आप यूज़ करते हैं जब आप पहला किसी चीज़ को डिफाइन कर चुके हुई है। ठीक है, दीज रॉयल लुकिंग डोल्स आर ड्रेस्ड इन द क्लोथ ऑफ हेन पीरियड की हो गया जिमें अपने मोरिया पीरियड थी या सिखिजम पीरियड थी उस तरीके जापान के हेन पीरियड थी जिद डोल्स मतलब इस तरीके का जो ट्रेडिशन थी इस तरीके के कपड़े पाए जाते थे उन्होंने द्वारा तो उसनों उस वास्ते हूँ त्यौहार यह मनाते हैं। ठीक है, दीज रॉयल लुकिंग डोल्स आर ड्रेस्ड इन द क्लोथिंग ऑफ हीन पीरियड। देखो इस दे विच की है पहला कर रहे हैं दीज रॉयल लुकिंग ड्रेस। ठीक है, पहला हूँ आप करेंगे डोल्स में थोड़े डिफाइन करेंगे तो किस ऑप्शन ए है कहते डूरिंग द सैलीब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले अ सैट ऑफ ऑर्नामेंट डोल्स। ठीक है, ये ऑर्नामेंट सजावटी डोल ने जिन्होंने आप कहने हीना डोल्स कहने तो इस तो बाद की आज अपना ऑप्शन ए आ जाएगा क्योंकि
क्योंकि इस दिविच की है डिफाइन किया गया डोल्स नू, ठीक है। तो उस तो बाद आप यूज़ करते हैं डी डी, ठीक है। कहते दीज डोल्स रिप्रजेंट द एम्परर एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रजेंटेटिव, ठीक है। फिर उस डोल्स डिफाइन कर रहे हैं जो कि मैं उसमें पहले कह चुका कि दीज डोल रिप्रजेंट द एम्परर एम्प्रेस, मतलब कि ने शासक ते फीमेल शासक, ठीक है। फीमेल्स वास्ते आप एम्प्रेस कहोंगे एंड अदर रॉयल रिप्रजेंटेट ते होर जिहड़े कि ने रॉयल फैमिलीज ने, ठीक है, उन्होंने की करते हैं रिप्रजेंट करते हैं डोल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। उस टाइम मैं तुम्हें दसिया कि उस तरीके का ट्रेडिशन होया करता थी, उस तरीके के वो कपड़े पाते थे कीमो पाते, ठीक है। कीमो एक ड्रैस होंगी है जो कि पहला यूज़ करते तो मूवीज़ के देख सकते हो, ठीक है। तो उस इस बाद आप यूज़ करेंगे डी यूज़ करेंगे क्योंकि इस इसने डिफाइन किया कि दीज डोल, पहले इसने की कह रहा है डोल्स बारे दसा कि ओरनामेंट डोल सजावटी डोल ने हीना डोल कहा जाता है। उस तो बाद की कह रहा दीज डोल रिप्रजेंट द एम्परर एंड एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रजेंटेशन। उस तो बाद आप करेंगे सी करेंगे दीज रॉयल लुकिंग डोल्स आर ड्रेस्ड इन द क्लोथिंग ऑफ हियान पीरियड, ठीक है। उस तो बाद इसने क्लोज करता कि यह हियान पीरियड की गल हो रही है तो अपने की आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। बी ए डी सी अपना सही ऑप्शन बन जूगा, ठीक है। तू समझी होंगे कि आप किस तरह करना, पहले इंट्रो करनी है, पहले आप दसिया कि फैसटिवल कि फिर आप दसिया कि वह किस तरीके की ड्रैसिंग है डोल्स किमें वगैरह ने, फिर आप उसकी एंडिंग करिए कि किस पीरियड की गल कर रहे थी। अगले क्वेश्चन से जाने, ओके नैक्सट क्वेश्चन। कहते सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ बाउंडर, सिनोनियम की होंगे सेम मीनिंग वाला वर्ड दसना आप कि बाउंडर का जो मीनिंग अपना बाउंडर का वह किस का मीनिंग सेम होगा यह आप दसना। देखो सब तो पहले की होंगे बाउंडर, बाउंडर का मतलब सूँ पता होता, बाउंडर का मतलब होंगे आ डिसऑनरेबल परसन, ठीक है, आ डिसऑनरेबल परसन, ठीक है, ज मैन, ठीक है, जिसकी कोई ऑनर ना हो, जिसकी कोई इज्जत ना हो, उसनों आप की कहोंगे बाउंडर कहोंगे, ठीक है, बाउंडर कहोंगे। तो बाउंडर का सेम मीनिंग वाला वर्ड दसना, पहला आता है लाउट, एल ओ यू टी, लाउड का मतलब होंगे एग्रैसिव मैन, ठीक है, एग्रैसिव, यह कि अपना नैगेटिव वर्ड है जिसकी कोई रिस्पैक्ट नहीं होंगी, ठीक है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होंगी, उस वास्ते आप लाउट यूज़ करेंगे, तो इसका अपना सही आंसर आ जाएगा लाउट, ठीक है। लाउट मतलब एग्रैसिव परसन जिसका करैक्टर की हो डिफाल्टड हो, उसनों आप कहने लाउट कहने, तो इस तरीके आप बाउंडर यूज़ करते हैं, ठीक है, डिसऑनरेबल परसन। उसके बाद मीडियोकर की होंगे, मीडियोकर होंगे एवरेज परसन वास्ते आप नॉर्मली यूज़ करते हैं मीडियोकर, ठीक है। डन की होंगे एग्रीड, कोई चीज़ से तुम एग्री हो तो तुम की कहने डन कहने, ठीक है। उस तो बाद अपना आता डिसकोरस, डिसकोरस का मतलब क्या प्रोपर, कोई प्रोपर है, कोई फूड है जिसका टेस्ट की है प्रोपर है, कोई चीज़ है जो कि कंप्लीट है, ठीक है, जो कंप्लीट चीज़ वास्ते आप यूज़ करते हैं डिसकोरस यूज़ करते हैं। तो इसका सही की आंसर आ जाती अपना लोट, एग्रैसिव परसन, तो यह की अपना डिसऑनर परसन। अगे बढ़ते हैं, ओके नैक्सट क्वेश्चन। कहते एट वर्क आई एम क्वाइट रिजर्वड, वट डज़ इट मीन, कहते जब मैं कम से हूँ तो मैं रिजर्व हूँ। देखो रिजर्व मेनली आप यूज़ करते हैं बुक वास्ते, जिमें तुसी कोई चेयर रिजर्व कर ली, कोई होटल रिजर्व कर लिया, कोई कमरा रिजर्व कर लिया, कोई तुसी नौकरी रिजर्व कर ली, तो रिजर्व होंगे बुक कर लेना, ठीक है, वो सोडी है तुसी रिजर्व की है, ठीक है। इतने रिजर्व का मतलब की है भी कोई परसन अपने एक एरिए रहना, अपनी एक बाउंडरी के रहना, उससे आप रिजर्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लो कोई किसी ना गल नहीं करना, शर्माना, ठीक है, आपकी बाउंडरी रहना, कॉन्फिडेंस ना होना, करेज वगैरह ना होना, तो उस वास्ते आप रिजर्व वर्ड का इतने यूज़ करेंगे। तो एट वर्क आई एम क्वाइट रिजर्व का मीनिंग की होगा ये आप दसना है, तो इतने आप लिख सकते हैं अ फील शाई, ठीक है, शाई फील करनू, ठीक है, शर्मान भी आप कह सकते हैं कि आई एम क्वाइट रिजर्व। टिमिड, टिमिड का मतलब करेज ना होना, करेज की कमी होना, जब करेज की कमी हो तो उस टाइम आप टिमिड यूज़ कर सकते हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी होते आप टीमिड यूज़ कर सकते हैं। नॉट टैगेटिव का मतलब गलबात ना करना, टैगेटिव मतलब गल करना, जो बहुत ज़्यादा गल्ला करता उसमें टैगेटिव कहने, नॉट टैगेटिव मतलब जो गलबात ना करे, तो इसका सही आंसर आ जाऊ अपना डी, मतलब सब कुछ आ जाऊगा, ठीक है। शाई होना भी कह सकते हैं, टीमिड भी, करेज कॉन्फिडेंस ना होना, या नॉट टैगेटिव कह सकते हैं, तो अपना डी अपना सही आंसर आ जाऊगा। ओके नैक्सट क्वेश्चन। देखो यही क्वेश्चन की अपना पैराजंबल का, इस कि अपन तीन सेंटेंस दिते हुए हैं जो कि ईजी ने, इसनों तुसी अरेंज करना है, ठीक है। जो भी सोडा आंसर आता उसनों तुसी कमेंट बॉक्स के लिखना है, ये सोडा होमवर्क है, ठीक है, इसनों तुसी खुद करो तो इसका आंसर लिखो। ओके इतने अपनी ये वीडियो खत्म होती है, तो उम्मीद करता कि सूँ वधिया लगी होगी, जो सूँ पसंद आई तो वीडियो में लाइक करो, तो अपने फ्रेंड्स नाल, अपने कलीग्स नाल, जिस नाल तुसी पढ़ते हो, तैयारी करते हो, ठीक है, जां किसी नाल काम करते हो, तो उस नाल जरूर इस वीडियो में शेयर करो, तो जो आप होर भी वीडियोज़ लेके आईए, क्योंकि जो सूँ वीडियो पसंद लगती है तुम लाइक कर दो, तो इसमें लाइक तो शेयर जरूर करया करो, ठीक है। तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिले एक नवे टेस्ट नाल, तद तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, थैंक यू वेरी मच।